जनपद सहारनपुर के मैरीग्राम हॉस्पिटल में इस वक्त भर्ती राजश्री व उनके बेटे श्रेष्ठ ने बताया कि सोशल मीडिया पर साध्वी सविता जमुना दास व मीडिया पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। जिसने भी इस तरीके की न्यूज चलाई है वह अपने आप में एक शर्मनाक अफसोसजनक है। राजश्री ने साध्वी सविता जमुना दास व मीडिया पर लगाए आरोप बेबुनियाद है। राजश्री ने कहा, गुरु माँ साध्वी सविता जमुना दास को डॉक्टर व स्टाफ वालों ने उनके साथ बदतमीजी की व उनका फोन भी छीना। एक हॉस्पिटल के डॉक्टर स्टाफ के द्वारा गुरु माँ साध्वी सविता जमुना दास के साथ अभद्रता व्यवहार में गाली गलौज भी की गई। रिपोर्ट निशांत गुप्ता। श्रेष्ठ जी, राजश्री जी कौन लगती हैं आपकी? मदर है मेरी। मदर, तो आपने पेगासस से उनको वहाँ से ले जाके यहाँ पर मेडिग्राम में क्यों भर्ती कराया? क्योंकि जब हम लोग सिंस पहले तो साध्वी जी ने उनको एडमिट कराया था रात में, और जब उनको एडमिट कराया तब हमें नहीं पता था कि वहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं क्या नहीं है। हम लोग तो बाद में पहुँचे, जब हम लोग दोपहर में पहुँचे तब हमने देखा वहाँ की फैसिलिटीज़ साफ सही नहीं थी। बेड शीट्स गंदी थी, टाल्स बहुत गंदे थे, पिलो कवर्स गंदे थे, कमरे में बहुत गंदगी थी, मलबा था, पानी था, और ओवरऑल जो जिस रूम में लेटा था जिसे वो आईसीयू कह रहे थे वो आईसीयू नहीं है, एक मेकशिफ्ट एक आपका फर्स्ट एड रूम से भी पैथेटिक कंडीशन में था। तो हमें वो देख के हमें समझ भी नहीं आया। हमने कहा आप हमारी मदर को यहाँ से मूव कर दीजिए, हमें आपके इलाज से, हमने उनको यही कहा। देखिए आप एज अ नॉर्मल पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट आप क्या बोलेंगे डॉक्टर को कि जी हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पेशेंट को रिलीव कर दीजिए यहाँ से, हम कहीं और ट्रीटमेंट करा लेंगे। हमने इतना बोला उनको, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दीजिए। हम आपकी फैसिलिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, ये आपको बेटर करके रखना चाहिए था। वो उस बात को डिफेंड करने लगे कि हमने इसको मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कर रखा, हमने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था आपके, जो कि नहीं किया गया था। तो जो केस था वो डॉक्टर शिप्रा के पास था या उनके हस्बैंड राजीव जी के पास था? मुझे ये डिटेल नहीं पता, मेरी मेरे को तो सिर्फ ये पता है कि डॉक्टर शिप्रा से मेरी बात हुई थी। तो डॉक्टर शिप्रा ने आपको मतलब कोऑपरेट नहीं किया? वहाँ का आईसीयू रूम जो था बड़ा गंदा था, पंखे भी नहीं थे, एसी भी नहीं था। और क्या साध्वी जी ने जो स्टेटमेंट हम लोगों को दिया था क्या वो सही था या गलत था? वो स्टेटमेंट सही था, सही था, बिल्कुल सही था। ठीक है, जैसा कि आपने देखा अभी हमने राजश्री जी के बेटे से बात की थी, उन्होंने भी बताया कि जो भी मामला था और जो भी साध्वी जी ने बताया वो सही था। आइए इसी क्रम में हम राजश्री जी से भी एक थोड़ी सी बात करेंगे, देखते हैं उनसे बात क्या हो पाती है हमारी। नमस्कार राजश्री जी, आप कैसे हैं? पहले से ठीक है। पेगासस में क्या आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला? अच्छा, तो जैसा वहाँ भर्ती हुए थे, क्या जिस टाइम वहाँ भर्ती हुए थे हमने सुना वहाँ लाइट भी नहीं थी, वहाँ एसी नहीं थे, पंखे नहीं थे, तो जैसे ही आपको वहाँ भर्ती किसने कराया? साध्वी जी लेके गई थी। तो साध्वी जी पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आपको भर्ती तो कराया लेकिन वहाँ पर जो है उन्होंने बदतमीजी की डॉक्टरों के साथ, डॉक्टरों साथ गलत व्यवहार करा। साध्वी जी को अंदर जाने दिया, साध्वी जी को जरा के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, बस ये कहा कि आप बाहर आइए कि अंदर जाएंगी, अंदर जाने के बाद मतलब डॉक्टरों का रवैया अच्छा नहीं था वहाँ पर, नहीं रवैया ऐसा नहीं था। साध्वी जी से हमें पता लगा कि उनका फोन भी छीन लिया गया था, उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की थी। सुना गई कि ये क्या, हेलो, ऐसा क्यों कर रहा है? साध्वी जी पे जो इल्जाम लग रहे हैं कि इन्होंने इस तरह का, क्या वो सही है गलत है? बिल्कुल गलत इल्जाम है जो इन पे लगाए जाने हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा भी हमारी राजश्री जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जितने भी साध्वी जी पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, और साध्वी जी ने खुद राजश्री जी को भर्ती कराया था, और भर्ती कराने के बाद उनका अच्छा ट्रीटमेंट जब नहीं हुआ उनको उनके बेटे के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ मेडिग्राम में शिफ्ट करा दिया है। अब राजश्री जी के पहले से जो कंडीशन है वो बेटर है। मेरे साथ बने रहिए, इंडिया 24 टीवी न्यूज़ देखते रहिए। सहारनपुर से निशांत गुप्ता।